एप्पल ने WWDC इवेंट में एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन देते हुए लेटेस्ट iOS 14 को अनवील कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, iOS 14 के साथ साथ एप्पल ने इस इवेंट में WatchOS 7 और macOS Big Sur को भी अनवील कर दिया है, जिसके डेवलपर्स बीटा अवेलेबल है डाउनलोड्स के लिए। बात करेंगे आज iOS 14 के न्यू फीचर्स और उसके साथ साथ WatchOS 7 एंड macOS Big Sur के बारे में, बट उससे पहले स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टेक जॉर्डर्स पे। मेरा नाम है यूडी और आज मैं लेकर आया हूँ न्यू एप्पल अपडेट्स। एप्पल लेकर आया है iOS 14 विद रीडिजाइंड होम स्क्रीन एंड पहली बार एप्पल आईफोन्स में लाइव विजिट्स। लाइव विजिट्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं टुडेज व्यू से और अपनी होम स्क्रीन पर आप इन विजिट्स को डिफरेंट साइजेस में पिन भी कर सकते हैं। एक न्यू फीचर ऐप लाइब्रेरी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है iOS 14 में। इंस्टेड ऑफ मल्टीपल ऐप पेजेस, ऐप लाइब्रेरी में आप सभी एप्स को कैटेगरी वाइज टैग कर सकते हैं। इसे एक्सेस करा जा सकता है बाय स्वाइपिंग ऑल द वे टू द एंड ऑफ द ऐप पेजेस। न्यू एप्स को आप होम स्क्रीन पर या फिर सिर्फ ऐप लाइब्रेरी में डाल सकते हैं फॉर अ क्लीन होम स्क्रीन एक्सपीरियंस। फोन कॉल इंटरफेस को भी रीडिजाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब इनकमिंग कॉल्स आईफोन की पूरी स्क्रीन कवर नहीं करेगी, इंस्टेंट फोन कॉल्स अब एक मिनिमलिस्टिक बैनर में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरीके से सीरी भी मिनिमलिस्टिक आइकन में कन्वर्ट हो गई है। इंस्टेंट ऑफ फुल स्क्रीन अब सीरी का एक आइकन डिस्प्ले होगा आईफोन स्क्रीन के बॉटम में जब आप सीरी रिक्वेस्ट करेंगे। पिक्चर इन पिक्चर मोड भी iOS 14 का एक नया फीचर है जिसमें आप वीडियोस वॉच कर सकते हैं यूजिंग अदर एप्स एट द सेम टाइम। मैसेजिंग ऐप में भी काफी न्यू फीचर ऐड किए गए हैं। अब आप इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस को पिन कर सकते हैं ताकि वो बाकी मैसेजेस के टॉप पे आए फॉर इजी एक्सेस। और व्हाट्सएप की तरह ग्रुप चैट में इनलाइन रिप्लाई फीचर्स को भी ऐड किया गया है। ग्रुप कॉन्वर्सेशंस के लिए एप्पल ने iOS 14 में मेंशन फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसमें म्यूटेड ग्रुप्स में आपको तभी नोटिफिकेशन मिलेंगी जब आपको कॉन्वर्सेशन में मेंशन किया जाएगा। काफी सारे न्यू मीमोजी ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है फॉर ए मोर एक्सप्रेसिव एक्सपीरियंस। एप्पल ने अपने मैप्स में साइकिलिंग डायरेक्शंस को भी ऐड किया है और इसे एप्पल वॉच एंड मैक ओएस के साथ इंटीग्रेट किया गया है। साइकिलिंग डायरेक्शंस के मैप रूट में आने वाले एलिवेशंस, बिजी स्ट्रीट्स और स्टेयर्स को मेंशन किया जाएगा। iOS 14 में डिजिटल कार की भी इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें आप अपने कार को आईफोन या फिर एप्पल वॉच के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं। कार की को मैसेजेस के थ्रू भी शेयर किया जा सकता है और इसे इजीली डिसेबल भी किया जा सकता है यूजिंग iCloud अगर आपका आईफोन खो जाए तो। ऑल न्यू एप्पल डिजाइन ट्रांसलेट ऐप को भी iOS 14 में डेब्यू किया जा रहा है जिसमें आप इजीली टेक्स्ट एंड वॉइस ट्रांसलेशन कर पाएंगे। कॉन्वर्सेशन मोड भी ऐप में डाला गया है जिसके थ्रू रियल टाइम में ये ऐप ऑटोमेटिकली लैंग्वेज डिटेक्ट करके आपको ट्रांसलेट करके देगी। एयरपॉड्स की बात करें तो एयरपॉड्स और एयरपॉड्स प्रो को भी सॉफ्टवेयर अपडेट मिला है। न्यू अपडेट में आपके एयरपॉड्स बहुत ही आसानी और ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं आपके बाकी एप्पल डिवाइसेस के साथ जैसे जैसे आप उनमें स्विच करते हैं। इसके साथ साथ एयरपॉड्स प्रो में स्पेशियल ऑडियो फीचर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इस फीचर में आपके एयरपॉड्स प्रो आपके हेड और हैंड मूवमेंट को ट्रैक करेंगे गिविंग यू अ परफेक्ट सराउंड साउंड। एप्पल वॉच ओएस 7 को भी अनवील कर दिया गया है इस इवेंट में। जी हाँ दोस्तों, वॉच ओएस 7 में नए फीचर्स डालेंगे जैसे कि वॉच फेस शेयरिंग और स्लीप ट्रैकिंग इंट्रोड्यूस की गई है। वॉच ओएस में कस्टम कॉम्प्लिकेशंस भी डाले गए हैं जिसमें आप अपने हिसाब से आइडियल कस्टम कॉम्प्लिकेशंस को वॉच फेस पर ऐड कर सकते हैं। वॉच ओएस 7 में आप अपने वॉच फेस को शेयर भी कर पाएंगे। इस नए वॉच ओएस में आइडियल हैंड वॉश टाइमर भी दिया गया है जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है जब आप हैंड वॉश कर रहे होते हैं। स्लीप ट्रैकिंग को भी फाइनली एप्पल वॉच में डाला गया है। एप्पल वॉच की ऑन डिवाइस लर्निंग आपकी स्लीप ट्रैक करेगी और सब डिटेल्स को आईफोन की हेल्थ ऐप में देखा जा सकता है। और एप्पल वॉच अब आपकी डांस मूव्स को भी ट्रैक करेगी। नए मैक ओएस बिग सर को भी WWDC में अनवील कर दिया गया है। दोस्तों, इस मैक ओएस 11 वर्जन में ओएस एलिमेंट्स को न्यू लुक दी गई है। मैक ओएस बिग सर का डिजाइन एप्पल का अभी तक का सबसे बड़ा डिजाइन अपडेट होने वाला है। विंडोज के कर्वेचर से लेकर डॉक आइकन तक सभी एलिमेंट्स को फ्रेश लुक दी गई है। ट्रांसल्यूजेंट डॉक, न्यू ऐप आइकन शेप, यहाँ तक कि साउंड सिस्टम को भी रीडन किया गया है ओएस 11 में। एप्पल के इंटरनेट ब्राउजर सफारी की परफॉर्मेंस को भी और इम्प्रूव किया गया है विद ए कस्टमाइज स्टार्ट पेज। ब्राउजर की प्रिवेसी को भी ट्वीक किया गया है। अब सफारी ब्राउजर आपको रियल टाइम में नोटिफाई करेगा जब कोई पर्टिकुलर वेबसाइट आपकी लोकेशन या फिर पर्सनल इन्फो को एक्सेस कर रहा होगा। मैक ओएस बिग सर में सर्च को भी इनहेंस किया गया है। इसके अलावा iOS रीडिजाइन मैप्स को iOS 11 में भी ऐड किया गया है। फोटोज ऐप में अब आप अपनी इमेजेस को रीटच कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर।
फिलहाल iOS 14, Apple Watch OS 7 और iOS 11 का डेवलपर्स बीटा रिलीज किया गया है। इसकी पब्लिक रिलीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सितंबर मंथ ऑफ दिस ईयर। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।